आज से एक साल पहले हमने भारत के 20 बहादुर सिपाहियों की जान को गवाया और उनकी जान इसलिए गई क्योंकि चाइना की पीएलए की आर्मी ने हमारे इन 20 बहादुर सिपाहियों के लेफ्टिनेंट कर्नल की जान ले ली। आज एक साल हो चुका है। इस एक साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगां जाने दिया। इनकी कुर्बानी का कोई मतलब नहीं है इस सरकार के पास। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि डेपसांग, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक में आज भी इंडिया की टेरिटरी में चीन की पीएलए की फ़ौज बैठी हुई है। हमारी फ़ौज इन इलाकों में जा नहीं सकती। तीसरी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी भारत की फॉरेन पॉलिसी को अपनी करिश्मा के ऊपर, अपने पर्सनल करिश्मा के ऊपर चलाना चाहते थे और उसका खैमियाजा देश भुगत रहा है। एक साल हो गया और एक साल के अंदर 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर भारत की टेरिटरी पर चीन की फौज बैठी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 13 महीने से ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, ना कोई प्रेस ब्रीफिंग देती है और ना पार्लियामेंट में जब मेंबर्स ऑफ अपोजिशन के एमपीज उठकर सवाल करते हैं लद्दाख के ऊपर तो उसका जवाब देती है। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में बुरी तरह नाकाम इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि वो देश को नहीं बता रही है कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इनकी पॉलिसी क्या है और कैसे उस टेरिटरी को चीन से हासिल किया जाएगा। लेगेसी इश्यूज नहीं है, हम सिर्फ 1,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार लद्दाख में इनकी नाकामी की वजह से आज हमको अपनी भारत के बॉर्डर की हिफाजत करने के लिए फॉरेन कंट्रीज के मिलिट्री की हेल्प लेना पड़ रहा है और यूएस से हमने ड्रोन हासिल किया है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने चीन के खिलाफ लद्दाख में नाकामी की वजह से हम कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर हमला करेंगे तो हमको हमेशा चीन के मिलिट्री रिएक्शन को देखना पड़ेगा। इनकी नाकामी ये इसलिए भी है कि हमने 20 जवानों को खोया, लेफ्टिनेंट कर्नल को खोया और चीन से जो ट्रेड इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया 10 से 13%। आप बताइए कि हर महास पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने हमारे 20 अजीम सिपाहियों की कुर्बानी को रायगा जाने दिया, उनके खून, उनकी जान की कोई अहमियत नहीं रही। आज भी उन मुकामात पर चीन की फौज बैठी।